हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द सेकंड वीक ऑफ अप्रैल। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, Ten of Wands, The Hermit, Ace of Wands, and Five of Pentacles. Okay, so Five of Pentacles के साथ Libra, आपके केस में थर्ड पार्टी मौजूद हो सकती है या फिर किसी तरीके का कमिटमेंट टूटा हो सकता है, जो कि आप डिजर्व करते थे। आई मीन इस पर्सन ने वो नहीं किया जो इन्हें करना चाहिए था, एंड कहीं ना कहीं ये चीज आपको परेशान कर रही है, क्योंकि हर्मिट के कार्ड के साथ आप अकेले में नजर आ रहे हैं। आप एक तरह से अपने आप को शट ऑफ करते हुए दिख रहे हैं पूरे वर्ल्ड से। आपने अपने आप को क्लोज कर लिया है एक एरिया में या एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एंड फिलहाल आप सोच रहे हैं कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। ओके, इस पर्सन का कोई भरोसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में यही चल रहा है, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऑल दो चाहे सिचुएशन जितनी भी खराब लगे, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई थिंक कि आपको वही मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर्ट होना चाहिए या इस पर्सन को ऐसे बिहेव करना चाहिए, नहीं। मेरे ख्याल से इस पर्सन को आपके लाइफ में से जाना है, शायद इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। एंड आपका जो ट्रू लव है या आपका जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, वो आपको तभी मिलेगा जब आप इस टॉक्सिसिटी से अलग होंगे, जब आप इस रिलेशनशिप से डिस्कनेक्ट करेंगे खुद को। यहां पे टेन ऑफ वांड्स के साथ आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके पास बहुत सारे आउटलेट्स हैं, ये एक भूल भुलैया की तरह है। आपको नहीं पता है कि कौन सी चीज कहां जा रही है एंड आपको क्या करना है। पूरी तरह से मेस्ड अप है, पूरी तरह से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, एंड आपको पता नहीं है कि आप कौन सा रास्ता फॉलो करें बाहर आने के लिए। बट एंड में आप बाहर आएंगे, एंड आपको कहा जा रहा है हर्मिट के कार्ड के साथ कि खुद पर फोकस्ड रहिए। आपके हाथ में चाबी है लिब्रा, यानी आप अगर खुद से प्यार करेंगे, अपने ऊपर फोकस रहेंगे, अपना टाइम लेंगे और इस रिलेशनशिप से खुद को डिसकनेक्ट कर सके अगर आप, तो ये आपके लिए एस ऑफ वांड्स लेके आ रहा है, नई होप्स लेके आ रहा है, नई उम्मीदें लेके आ रहा है। एंड आप तभी उन चीजों की तरफ बढ़ सकेंगे जो आपको डिजर्व करती है। ओके, हो सकता है कि आपको ये रीडिंग सुनने में अच्छी ना लगे, बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में वाकई में हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जहां ये पर्सन बार बार अपना कमिटमेंट तोड़ रहा है या किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व्ड है, या इनके लिए दूसरों की जो ओपिनियन है वो ज्यादा मैटर करते हैं, तो आपके लिए सोचने का वक्त है और समझने का वक्त है कि आप चाहते क्या है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Queen of Swords,
डेथ, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहां पे। आई थिंक आपके अंदर इस समय बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, आप बहुत ज्यादा पेन में हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सैडनेस हो सकती है, बट कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को कहने के लिए कुछ और तरीके निकाल रहे हैं, क्योंकि हर्मिट के कार्ड के साथ मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा किसी से बात नहीं करना चाहते, ज्यादा किसी से अपनी फीलिंग्स को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको समझने वाला कोई है ही नहीं, एंड आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कोई समझ नहीं पाएगा, आपके पेन को कोई समझता नहीं है, और इसीलिए आप नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बनकर यहां पर अपनी फीलिंग्स को दूसरे तरीके से बाहर निकाल रहे हैं। आई थिंक आप कुछ लिख रहे हो सकते हैं अपने गुस्से के बारे में, अपने पेन के बारे में, एंड देन उसको फाड़ कर फेंक दो, उस पेज को फाड़ कर फेंक दो। यहां पे यही तरीका इस वक्त आपके लिए सही है। शायद आपको अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना चाहिए, अब आप उसे जैसे भी करें, क्योंकि इससे आपको फील होगा रिलीफ। यह डेथ का कार्ड है। फाइनली आप इस नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को छुड़ा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कप्स है। ओके, आई थिंक आप इस पर्सन से दूर है इस वक्त, और ये कार्ड यहाँ पे डेथ का ये शो कर रहा है कि कुछ एंड होने वाला है, और जो भी एंड हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। यहाँ पे ये टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड हो सकता है, यहाँ पे आपका फ्रस्ट्रेशन एंड हो सकता है, यहाँ पर आप नई चीजों की शुरुआत कर रहे हैं। ये डेथ का कार्ड हमेशा खत्म होने के बारे में नहीं है, या एंड के बारे में नहीं है, ये एक स्टार्ट के बारे में होता है। जब भी कुछ खत्म होता है तो कुछ नया स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई थिंक कि इस रिलेशनशिप से छूटना आपके लिए अच्छा होगा, एंड आप दूसरे डायरेक्शन में बढ़ेंगे। हालांकि आपका ये पर्सन आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपको फॉलो कर रहा है, दोबारा आपको कुछ ऑफर करना चाहेगा, एंड मेरे ख्याल से कोई नया पर्सन भी आपके लाइफ में है जो आपको कुछ ऑफर करना चाहता है। यहाँ एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ लिब्रा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई नया पर्सन आप में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर रहा है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो अब सिंगल है, एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पुराना पर्सन भी आपको दोबारा एक्सक्यूजेस देगा, दोबारा आपसे टच में आने की कोशिश करेगा, दोबारा आपको इस सिचुएशन में रखने की कोशिश करेगा, एक यू नो लव ट्रायंगल में रखने की कोशिश करेगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लिए अपने इमोशंस से लड़ना जरूरी है इस वक्त, क्योंकि आपके इमोशंस एक स्टॉर्म की तरह है जिसे आप नहीं संभाल पाते जब वो आप पर हावी होते हैं, और ये चीजें आपको ही नुकसान पहुंचाती हैं। इस समय आपके लिए डिसाइड करना जरूरी है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, हाँ, कि आप अपने पास्ट को ही वापस चाहते हैं या किसी नए पर्सन को चाहते हैं। और फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको अपनी फीलिंग्स से लड़ना पड़ सकता है इस वीक में। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है लिब्रा। एंसर द कॉल, What is your soul calling you to do? So कहीं ना कहीं आपका intuition आपको किसी तरफ ले जा रहा है, unaware हैं आप, लेकिन ये चीजें आपको खींच रही हैं और एक नई शुरुआत की तरफ ले जा रही हैं। What is your soul calling you to do? आपकी आत्मा आपसे क्या करने को कह रही है, ये आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यही चीजें आपको बताएंगी कि आपके लिए सही रास्ता क्या है और क्या आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। हालांकि इस रिलेशनशिप से अलग होना आपके लिए पेनफुल हो सकता है इस पॉइंट पर, लेकिन अगर आप इससे ब्रेक कर लें, इस टॉक्सिसिटी को ब्रेक कर पाएं, तो शायद आपको हमेशा के लिए सॉल्यूशन मिल जाए।
एंड आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, अपने हिसाब से फैसला लीजिए और आप परफेक्टली सही रास्ते पर चले जाएंगे। तो ये थी रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।